Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Bansal Academy. This is Manpreet. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗਵਾਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਡਬਲਸ ਇਟਸੈਲਫ ਔਨ SI ਤਾਂ SI ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ डबल इटसेल्फ ऑन SI इन 20 इयर्स अगर मैं कोई प्रिंसिपल अमाउंट लगावा तो वह जी है डबल हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट लगाते हुए विद इन 20 इयर्स फाइंड द पीरियड इन विच इट बिकम 4 टाइम्स एट द सेम रेट अगर यही सेम रेट अप्लाई करिए तो वही मेरी प्रिंसिपल जड़ा है 4 टाइम्स मतलब मेरी अमाउंट 4 गुना कितने टाइम पीरियड होती है तुसी फाइंड आउट करना है इसके तो हम अगर यही क्वेश्चन आपको सोल्व करना पे डबल हो जाता है 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਖੀ 2 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਜੁੜਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਬਣੇ 2 ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ 3 ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ ਕਦੋਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ 3 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਏਗਾ ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਬਣਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20 ਤੇ 20 40 ਤੇ 20 60 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਚ 4 ਟਾਈਮਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ 60 ਇਅਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਡਬਲ ਇਟਸੈਲਫ ਐਟ CI ਹੁਣ ਮੈਂ CI ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ SI ਦਾ ਸੀਗਾ डबल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट है विद इन 15 इयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स इन हाउ मच टाइम ठीक है तो हुन अगर CI का क्वेश्चन आ जाए ओथे तो तुसी की करना है जेड़ा तुसी SI का कर रहे हो तुसी इंटरेस्ट लगाया कि हर साल 1 रुपया ही चलेगा ताही अमाउंट 1 टू 2 2 टू 3 बनेगी बट कंपाउंड दे विच किवें हो जाए क्वेश्चन ओही इथे के चलेगा अपना देसी तरीका कि आज मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करया डबल हो जाता है मतलब वो 2 रुपए बन जाता है विद इन हाउ मच टाइम 15 इयर्स और अगली बारी फिर मैंने यही 2 रुपए इन्वेस्ट करे हुन वो डबल होंगे क्योंकि कंपाउंड की गल है इंटरेस्ट सेम नहीं रहेगा इंटरेस्ट दे ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा सी पिछली वीडियो से दसया सीगा जेकर तुसी कंपाउंड इंटरेस्ट करन हाले भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखना फिर इस क्वेश्चन नु अटेम्प्ट करना तुहानू पूरा कांसेप्ट बिल्कुल देसी तरीके नाल उठे भी करवाया चल हुण 2 रुपए तो ए बन जाएगा 4 रुपए डबल हो जाएगा कदों अगले 15 साल के विच फिर अगले साल मैंने फिर लगाए 4 रुपए तो मैंने पूछा यही है सी कि 8 गुना कितने टाइम पीरियड च हुंदा है तो बिल्कुल सीधा जे हिसाब 4 रुपए लगाए तो वो डबल हो जाएंगे यानी कि 8 रुपए बन जाएंगे अगले 15 साल के अंदर अंदर तो हम तुसी चेक कर लो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया मेरा 45 साल का फिर मेरी अमाउंट 1 रुपए तो 8 रुपए बन चुकी है कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते
समझ आया ना ये क्वेश्चन? देखो एक बारी। ओके, मेरे दो क्वेश्चन का मेरे को आंसर मिल गया। दोनों क्वेश्चन में कुछ नवा देखा, कुछ नवा सीखा। हुण आपां मूव कर दें अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर थ्री। की है क्वेश्चन नंबर थ्री? अ सम ऑफ रुपीज 12,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर। क्वेश्चन हुई है डबल हो जाते हैं, बट इतने प्रिंसिपल तुम्हें मैंशन कर दिता गया है, तो तुसी 1 रुपए ना क्वेश्चन नहीं करना, तुसी प्रिंसिपल जो दिता है उन्हें ही लेके चलोगे। उन्होंने कहा कि 12,000 रुपए लगाए कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो डबल हो जाते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल लगाने तो बाद डबल हो जाते हैं। देन आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बिकम डैश। तो जे यही 20 साल बाद किन्ने पैसे होंगे जे यही 12,000 देखा जाए, तो हम इनू किए करा? जितने आप पिछले लै रहे थे 1 रुपए तो 2 रुपए बना रहे थे, इतने आप 12,000 को क्वेश्चन रखना शुरू करते। अगर मैंने आज इन्वेस्टमेंट कर लिया 12,000 दी, डबल हो रही है, मतलब 12,000 का डबल तो हो गया 24,000, 24,000 विद इन हाउ मच टाइम? इन 5 ईयर्स। राइट, हुण मैनू पूछा है कि 20 साल बाद किन्ना होएगा, बट मैंने तो यह पता ना कि मेरा पैसा डबल होंगे हर 5 साल, तो मैं हर 5-5 साल का हिसाब लगा के चल रही हूँ। मतलब अगले 8 वाले 5 साल में अगर मैं 24,000 डिपोजिट करता तो फिर डबल हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है 48,000। समझे पॉइंट? 12 लगाया 24 बनिया 24 लगाया 48 बन गया, 10 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया। हुण मैंने फिर यही 48,000 लगाया और फिर तो डबल हो जाएगा, यानी कि 96,000 विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। राइट, तो मतलब मेरा 15 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया, मेरी अमाउंट जी मैं 12,000 तो शुरू की थी आज आके 96,000 पे स्टैंड कर गई। हुण मैंने एक और साल काउंट करने हैं, अगले 5 साल तभी मेरे 20 साल पूरे होंगे, तब मेरी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 96,000। हुण 96,000 तुसी इन्वेस्टमेंट करी है वो की होनी चाहिए है डबल, कितनी होएगी? 1,92,000 विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो मतलब टोटल 20 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो मेरे 12,000 आज के टाइम च किन्ने बन गए? 1,92,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो पेपर के अंदर तुम्हें सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वैल्यू भी दी जा सकती है, तुम इस क्वेश्चन में भी देख सकते। समझ आया ना बच्चे कैसे करना है क्वेश्चन? इजी लगे होएगा सबनों? राइट, डबल हो जाए अमाउंट, एवं ट्रिपल हो जाए, जितने नंबर ऑफ ईयर देते हैं। एक चीज याद रखना, जो सिंपल इंटरेस्ट कह रहे हैं तो 1 तो 2 बनेंगे, 2 तो 3 बनेंगे, मतलब जिन्ना जिन्ना इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। बट जो तो आप कंपाउंड करते हैं तो डबल कहा है तो डबल होता जाएगा, 1 तो 2, 2 तो 4, 4 तो 8। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट का केस पूछा जा रहा है कि कंपाउंड का पूछा जा रहा है। और इन क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की लोड़ नहीं है, अपना तरीका यूज करो तो उसे आंसर फाइंड आउट टाइम पीरियड। होप कि आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे होंगे। राइट, अगर अच्छे लगे हो क्वेश्चन चाहिए है कि और वीडियो एवं भी लेके आवा जिसमें तुम्हें शॉर्टकट सिखावा, जो कि थोड़े पंजाब के एग्जाम आने वाले सारे एग्जाम काफ़ी इंपोर्टेंट होंगे, तो काफ़ी ईजी वे ना तुसी अटैम्प्ट कर पाओगे। जिन्हें भी क्वेश्चन असं अपनी प्रीवियस वीडियो इस वीडियो कवर करे ने वो सारे तुम जोड़े ने हूँ ईजी लगते हो, अगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ये डिफिकल्ट लगे ने क्वेश्चन या मेरे तो होंगे नहीं, मैं टॉपिक छोड़ू। एवें ही कई और क्वेश्चन लेके आवानी, सिंपल इंटरेस्ट के हो सकते हैं, कंपाउंड के हो सकते हैं, दोनों मिक्स करके भी हो सकते हैं, जोड़े एग्जाम ओरिएंटेड होंगे सिर्फ वो ही क्वेश्चन करा आप। ओके क्लास, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहो बंसल अकेडमी, यूट्यूब से इस सारिया वीडियोस देखते रहो, हर टॉपिक नू कवर करो अपना, ते अपनी प्रिपरेशन नू कंटिन्यू रखो। ओके, थैंक यू।